बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह से जुड़ा एक किस्सा। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह 1937 में किस्मू पहुंचे, जहां तकरीबन 60 से 65 इस्माइली आबाद थे। मुखी वजीर अली दीना विश्राम और कामरिया शुमार हिशाम जमाल और तमाम इस्माइलियों ने इमाम अलैहिस्सलाम को सलाम पेश किया। मुखी कामरिया और दीगर रहनुमा इमाम अलैहिस्सलाम को जमाखाना ले जाने के लिए एक घोड़ा गाड़ी ले आए। इन्होंने घोड़ों को घोड़ा गाड़ी से अलग किया और खुद घोड़ों की जगह खड़े हो गए। इमाम अलैहिस्सलाम ने देखा कि मुखी कामड़िया और दीगर रहनुमा इस घोड़ा गाड़ी को खींचेंगे। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुखी ये क्या है? मुखी ने कहा, मौला ये हमारी गहरी ख्वाहिश है कि घोड़ों के बजाय हम इस गाड़ी को खींचें। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरे रूहानी बच्चे हैं। वजीर इस्माइल गांजी ने इस नारे को ख़त्म किया, खोजा उठाओ बोझा, और अब मैं आपको ये इजाज़त नहीं देता कि आप बोझ उठाएं, घोड़ों को लगाया जाए और आप मुखी कामड़िया मेरे साथ मेरी घोड़ा गाड़ी में आएं और मेरे साथ बैठें। इमाम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश पर ऐसा ही किया गया। इंग्लिश नरेशन ऑफ द स्टोरी। Imam Sultan Muhammad Shah arrived in Kismu in 1937, where about 60 to 65 Ismailis resided. Mukhi Wazir Ali Dina Visram and Kamriya Count Hasham Jamal and all the Ismailis greeted the Imam. The Mukhi, Kamriya and other leaders had brought a horse cart to take the Imam along the Jumaat Khana. These leaders had decided that instead of horses, they would pull the cart. They separated the horses and themselves pulled the cart. When the Imam saw that the Mukhi, Kamriya and other leaders were pulling his cart, he exclaimed, Mukhi, what is this? The Mukhi said, Mawla, it was our profound wish that we would pull the cart instead of horses. The Imam said, not at all. It cannot be done. You are my spiritual children. Wazir Ismail Ganji has eliminated the slogan of Khoja Uthao Boja. And now, I will never allow you to lift the load. You stop the cart and join the horses. You, Mukhi and Kamriya, come in the cart and sit with me. It was hence followed so.